हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल द सुधीर जांगिड़ में। और दोस्तों, मैं आज आपको ये लेकर आया हूँ इस वीडियो में एक ऐसी जानकारी जिसकी मदद से आपको बहुत ही हेल्प मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों, अभी आपको पता है कोरोना चल रहा है और कोरोना की वजह से हमारे जिन लोगों को कोरोना हो रहा है या जिनको हो चुका है, कई ऐसे लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की कमी हुई हो गई उनकी बॉडी में, जिसकी वजह से उनको आगे जाकर काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। और कई लोग ऐसे हैं जिनको जो कि कोरोना की वजह से अब हमारे साथ हमारी इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे में हमें क्या करना है दोस्तों, हमें हमारी ऑक्सीजन लेवल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों, कोरोना होने के बाद में 4-5 दिन तक तो हमें पता ही नहीं लगता है कि हमें कोरोना है। और जब हमें पता लगता है तो हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो चुका होता है। तो ऐसे में दोस्तों, हमें मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है हमारे ऑक्सीजन लेवल को कि हम पता लगाएं। तो उसके लिए दोस्तों, मार्केट में अवेलेबल है पल्स ऑक्सीमीटर, जो कि 2000 से 3000 रुपये के बीच में आते हैं। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको 2000-3000 रुपये वो स्पेंड नहीं कर सकते हैं इसके ऊपर। तो उनके लिए दोस्तों, आज ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक नई एप्लीकेशन के बारे में, जिसकी मदद से आप घर बैठे अपने मोबाइल से जान पाएंगे आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है, आपकी हार्ट रेट कितनी है। तो दोस्तों, ये एक्चुअली दोस्तों, आपका जो कैमरा होता है, बैक कैमरा और जो फ्लैश लाइट होती है, उसके ऊपर आपको अपनी फिंगर को रखना होता है और कुछ 40 सेकंड तक उसके ऊपर आपको रखना पड़ता है। उसकी प्रोसेस चलती है, उसके बाद में वो आपको आपके हार्ट रेट और आपका ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करके आपको बता देता है। तो दोस्तों, कैसे इस एप्लीकेशन का यूज़ करना है या फिर ये एप्लीकेशन का नाम क्या है, वो सब मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। हालांकि ये अभी टेस्टिंग फेज़ में है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो डाटा इस एप्लीकेशन के द्वारा मिल रहा है वो बिल्कुल सही हो सकता है उसमें थोड़ा गड़बड़ी भी हो, थोड़ा उसका रेशियो ऊपर नीचे भी हो सकता है। लेकिन काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक सिमिलर है आपके पल्स ऑक्सीमीटर और इस एप्लीकेशन का जो रिजल्ट आता है, काफ़ी हद तक बराबर हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन के अंदर प्ले स्टोर में जाना है और सर्च बार में जाकर आपको वहां पर टाइप करना है केयरप्लिक्स वाइटल। जैसा कि आपको साइड में फ़ोटो में नज़र आ रहा है, सेम उसी तरह से केयरप्लिक्स वाइटल्स लिखकर आपको सर्च करना है। फिर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और आपको ये सेम जो सब फ़ोटो में दिखाई दे रहा है वैसे ही ऐप आइकन वाला आपको सर्च करना है केयरप्लिक्स वाइटल। तो ये वाला जो दोस्तों एप्लीकेशन है, आपको इसको सेलेक्ट करना है। और ये वाले एप्लीकेशन में आप देखेंगे नीचे इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में ये जो है एप्लीकेशन आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों, मैंने इस वीडियो को फर्स्ट फॉरवर्ड किया हुआ है ताकि आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम जो मुझे लगा था वो आप लोगों को देखने में ना लगे और जल्दी से आप इस वीडियो में आगे बढ़ पाएँ। तो दोस्तों, अभी आप जैसा कि देख पा रहे होंगे मेरे मोबाइल के अंदर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। इसके बाद में आपको सिंपली ओपन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस सामने आएगा, कुछ परमिशंस मांगेगा जिन्हें आपको अलाउ कर देना है। इसके बाद में आपको नीचे रजिस्टर बटन पर क्लिक करके सबसे पहले अपने आप को इस एप्लीकेशन के ऊपर रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर होने के बाद में कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा, जहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको नज़र आएगा रिकॉर्ड वाइटल्स। उसके बाद में दोस्तों, आपको क्लिक कर देना है रिकॉर्ड वाइटल के ऊपर। तो आप यहां पर देख पाएंगे इस तरह का हाउ टू स्कैन का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो चलिए, अभी मैं आपको ले चलता हूं अपने दूसरे मोबाइल की रिकॉर्डिंग पर, जहां पर मैं आपको इसको करके बताता हूं स्कैन अपनी फिंगर पे और हम देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। तो दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे कि हम आ गए हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर। अभी ये जो पेज है आप यहाँ देख पा रहे हैं कि फिंगर को किस तरह से फ्लैश लाइट और कैमरे के ऊपर रखना है, वो यहाँ पर इसमें दिखाया गया है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको फिंगर को आपके कैमरे और फ्लैश लाइट के ऊपर रखना है और कुछ देर तक रख के रखना है ताकि ये स्कैन कर पाए। तो चलिए, स्टार्ट स्कैन पर क्लिक करते हैं और ये देखिए दोस्तों, फ्लैश लाइट ओपन हो चुकी है, ऑन हो चुकी है। और अब हम हमारी फिंगर को रखते हैं कैमरा और फ्लैश लाइट के ऊपर। जैसे हम कैमरे के ऊपर और फ्लैश लाइट के ऊपर अपनी फिंगर रखते हैं तो यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, ये देखिए। और ये यहाँ पर डिटेक्ट करने लग जाता है अपनी हार्ट रेट और ऑक्सीजन लेवल को। इसकी प्रोसेसिंग है ये दोस्तों 100% होने तक चलती है। ये पूरा 100% होने तक मॉनिटर करता है। इसमें लगभग 40 से 42 सेकेंड लगते हैं, जो कि मुझे लगे थे। यहाँ पर भी दोस्तों, मैंने इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है ताकि जो एक्स्ट्रा टाइम है वो आप लोगों को ना लगे। और दोस्तों, ये देखिए, स्कैन होने के बाद में इस तरह के आपके सामने ऑप्शन आ जाता है और आपको यहाँ पर मॉनिटर, ये डिस्प्ले जो मॉनिटर करता है वो आपके सामने डिस्प्ले करता है। ये देखिए, यहाँ पर हार्ट रेट 86 दिखा रहा है और ऑक्सीजन सेचुरेशन जो मेरा दिखा रहा है वो 95 दिखा रहा है।
अब दोस्तों मज़े की बात यह है कि आप यहाँ पर इस जो आपका रिकॉर्ड ये आया है, इस टेस्ट को आप हिस्ट्री के रूप में सेव भी कर सकते हैं, क्योंकि आप वाइटल हिस्ट्री के बटन पर क्लिक करके आप बाद में कभी भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए दोस्तों, तो इस तरह से ये काम करता है दोस्तों। अब एक आपके लिए एक कंपैरिजन में लेकर आया हूँ यहाँ पर। एक्चुअली दोस्तों मेरे पास पल्स ऑक्सीमीटर भी है, तो चलिए दोस्तों अभी इस पल्स ऑक्सीमीटर के साथ कंपेयर कर लेते हैं इस एप्लीकेशन को, कि दोनों में से कौन सा हमें सही जो डाटा प्रोवाइड करवाता है। ये देखिए मेरे पास मिस्टर GR8 का फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर है। तो चलिए दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं हमारा कंपेरिजन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अनलॉक कर लेते हैं फ़ोन को, और अभी ये जो है पल्स ऑक्सीमीटर जो है इसमें हम हमारी फिंगर को डालकर इसको ऑन कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया है पल्स ऑक्सीमीटर ने। साथ ही साथ इसके साथ हम ये केयरप्लेक्स वाइटल से भी हम स्टार्ट करते हैं हमारी मॉनिटरिंग। अब इसमें भी मैंने फ्लैश लाइट के पीछे अपनी फिंगर और कैमरे के ऊपर अपनी फिंगर लगा ली है। अब आप देख पा रहे होंगे कि पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर मेरी हार्ट रेट जो है 73-74 दिखा रहा है, और ऑक्सीजन मीटर लेवल दिखा रहा है 99। और अगर आप देख पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि मोबाइल के अंदर जो केयरप्लेक्स एप्लीकेशन है इसमें और जो हमारे पल्स ऑक्सीमीटर है दोनों में हमारी हार्ट रेट लगभग बराबर आ रही है, 80, 81, 80। तो ये देखिए दोस्तों अभी यहाँ पर इसके सामने स्क्रीन पूरी होने के बाद चार ऑप्शन देता है कि आप किस पोस्चर में है, रेस्टिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग या रनिंग। तो अभी हम रेस्टिंग में हैं, बैठे हुए हैं, तो हम इसको रेस्टिंग पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हमारा रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है। तो ये देखिए दोस्तों 95 ऑक्सीजन सेचुरेशन दिखा रहा है, हार्ट रेट दिखा रहा है 80 और रेस्पिरेशन रेट दिखा रहा है 16, जो कि बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अब इसको भी हम हिस्ट्री में ऐड कर लेते हैं। तो ये था दोनों दोस्तों पल्स ऑक्सीमीटर और वाइटल केयरप्लेक्स की एप्लीकेशन के बीच में कंपैरिजन। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों, जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन को, और बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लगता है कि ये एप्लीकेशन कितना सही हमें टेस्ट करती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।